हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक और नए व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम हैं अभी किचन में ही। हाल है ये रात वाली दालें आज हम इसी को खा रहे हैं। लस्सी है, चटनी है, ये है धनिए की और हरी मिर्च की और टमाटर की चटनी, और एक चटनी और है, ये है प्याज की, लहसुन की और हरी मिर्च की, और इसमें दही है। और यहाँ पे दीदी बना रही है पराठे, बच्चे बाहर बैठ के खाने लग रहे हैं। ये लोग पराठा, बच्चे खा रहे हैं खाना सुबह। ये बच्चे खाते हैं गंदा गंदा खाना, नहीं अच्छा खाना खा रहे हैं। ये देखो दही है, पराठा है, अचार है। अच्छा, नहीं क्या ये चटनी है, प्याज की चटनी। वाह गोलू मजे। हाँ मकड़ी आ गई थी, ये उठ गए। बैठ जाओ खा लो खाना। गोलू को खिला दे युगी। गोलू पैर पर ले। मैं गोलू कुर्सी लाती हूँ, ये रखी। ले गोलू इस पे बैठ जा, इस पे रख ले पैर, इस पे रख ले पैर, कुर्सी पे रख ले। देख दोनों भाई जगह दे दे युगी इसको बैठने की। मर गई। ले खिला दे भी इसको भी। मुझे खिलानी है गोलू को रोटी। आजा मेरे गोलू मोलू, ये अपने पापा के साथ रोटी खा रहा है, लेकिन खिलाना मुझे पड़ेगा। ये थाली है, आजा बेटा ले। ओ आजा ना, आ ना मुन्ना, ये लो ना मुन्ना, लस्सी भी ले ले। इसकी तबीयत अभी ख़राब ही है, ठीक हुई नहीं है, लेकिन हमने लस्सी थोड़ी ताज़ा लस्सी है तो इस वजह से पिला रहे हैं, क्योंकि फिर खाना भी नहीं खा रहा, इसका टेस्ट चेंज हो गया बुखार की वजह से, है ना बेटा। हाँ दीदी 100 आइटम लेके आई है खाने के लिए। बाजरे की रोटी, दाल, ये प्याज की चटनी और ये हरे धनिया टमाटर की और ये दही। तो फिर ये इतनी बड़ी बड़ी कटोरिया में रिकॉर्ड दे वाला ना, घनी बड़ी बड़ी कटोरिया में लेके आए। रोटी तो बड़ी है ही नहीं, मैं पेट भर जाएगा। अच्छा ठीक है। हाँ मम्मी जितने बोल के लते बाहर काट का घेर दे, है ना। न्यू तो मना बेरा ना खून फूक का सही लते आना, देख सारे पजामी पजूमी सारी आड़ा ऊपर रहे और ये कुर्सी का बड़ी से कितनी यार हमारी मदद। कपड़े तो चल वो भी काट देगा आज, लेकिन है ना मेरा भी खा लिया पापा हो ना, मम्मी को आ रहा गुस्सा। मैं इसके गोलू के बचलो तुम लोग, बच्चो बचलो तुम लोग। मम्मी को आ रहा बहुत तेज गुस्सा, जो कि हम सबके डांट लगाने लग रही है। सिर्फ घर में है ना कूड़ा कबाड़ा बिखेर देते हैं ये बच्चे, कहीं कपड़े पड़े होते हैं, ये देखो बेड पे कपड़े छोड़ दिए। मैंने ये युगराना है, युगराना इसका कल बर्थडे, हैप्पी बर्थडे एडवांस युगरानी, सॉरी राना। पर कल युग का बर्थडे है तो कल करेंगे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट। ओह माय गॉड, कितना कितना खुशी हो रही है ना इसको, बहुत खुशी हो रही है, उससे ज्यादा तो मुझे हो रही है और उससे ज्यादा मेरे को हो रही है। मेरा पता नहीं मम्मी क्या निकालने की कोशिश कर रही है। गर्मी है कपड़े, ये मेरा सफेद सूट है। अच्छा सफेद सूट, आज मम्मी जा रही है ओम शांति में, तो अपना सफेद सूट छोड़ दो, इसने तो मैंने पकड़ लिया। इधर से ना देखना बेटा, मेरा हाथ टूट जाएगा। ये देखो बैठ के इधर से देख रहा है, मेरा हाथ तोड़ेगा। और फिर झोपड़ी के अंदर ही पड़ा है। ओ तेरे युगी, पकड़िए फोन। दादी के बेटे गिर जाएगा। युग को मिले हैं कितने हजार रुपए मिले हैं? 5,000। 5,000 किसने दिए? मैंने। किस चीज के? बर्थडे के, बर्थडे के नाम के 5,000 इसको बुलेट में डालने के दिए। चल तू अभी तो जा रहा है ये अपनी दादी के साथ, वापस आने के बाद ले लिए मेरे से। नहीं वह पहले तैयार हो जा, नहा के आया है। तो युग को तो मिल गए हैं 5,000 रुपए उसके बर्थडे के नाम के गिफ्ट के, लेकिन अभी कुछ गिफ्ट लाएगा नहीं, वो अपने गुल्लक में डालेगा पैसे। जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे ना तब वो कुछ अपने मन पे संचित लाएगा। नींद आ रही है कुछ का, खाना खाने के बाद नींद आने लग गई है। और ये ना ये मेरे दिमाग खाते रहती है, मेरी रील बना दो रील बना दो रील बना दो, और ये खुद रील देखती रहती है, तब ये बना नहीं सकती क्या? झूठ झूठ नहीं बोलना चाहिए देवी, पता है ना तेरे को ये बात। झूठ बोलने वालों से मुझे सख्त प्यार है। जब तब अपने से प्यार करती हूँ ना। हाँ इसलिए मैं अपने आप से बहुत ही कम प्यार करती हूँ।
समझ में आई? नहीं समझ में आई, मेरे को भी नहीं समझ में आई मैं क्या बोल हाँ भाई गुल्लक के पैसे तो हम रख लेते हैं पर वापस आके ले लेगा युग, कोई नहीं दे देंगे बच्चे के पैसे। अभी अभी कुंजी का आज इतना अच्छा काम कर रही है कि उसका तारीफ करने का मेरा मन कर रहा है, और सबसे पहले तो मेरे को उसको डांट लगाने का मन कर रहा है। ये देखो नहीं। ये देखो दिख गई। अब मैं इसको ना कैमरा बंद करके इसको मैं कुछ सुनाती हूँ उसके बाद ऑन करती हूँ, और मैंने इसको अच्छे से समझा दिया। शक्ल देखो कैसी है, और ये देखो तारीफ तो मैं इसकी करने वाली थी कि आज हमें चाय बना के पिला रही है, लेकिन इन्हें इतनी ज्यादा चाय पत्ती गिर रखी है इसने कि बस मेरा मन तारीफ करने के बजाय मन करने पीने का पता नहीं मन करेगा ही नहीं करेगा। तारीफ भी ये ना अपनी करवा के खुश नहीं है। मैं तो तारीफ करने वाली थी लेकिन डांट खाए बिना तो रहती नहीं है। धूप में लेटी हुई है दीदी, क्योंकि यहाँ पे आधी धूप आधी छाया आई हुई है, उधर है धूप इधर भी ऊपर धूप है लेकिन इससे थोड़ी कम लगती है। हाँ मुन्ना है ये आपके हाथ है? ये इतने बड़े बड़े आपके हाथ है क्या? मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे है। हटा आपके है ये तो। और हाँ ये तो मेरे नहीं है आपके ही है, पर लग बहुत बड़े रहे हैं। तो कुंजी का ले आई चाय जिसमें अदरक उसने डाली नहीं है, बिना अदरक का टेस्ट खुशबू आ रही है। अदरक नहीं डाली ना? ले डाल के ला दो। हाँ मेरे को भी नहीं, खुशबू से पता चल रहा है। तो कुंजी का पूरे दिल से बनाया था बेटा। हाँ चल जा, रंग अच्छा लग रहा है लेकिन अदरक डालना, थोड़ा दूध पानी और डालना पड़ेगा, जल जाएगी फिर अदरक होगा। हाँ इसमें थोड़ा पानी डालिए, दूध तो ऑलरेडी तो बहुत घना डाल दिया। मामा की चप्पल अंदर होनी चाहिए। मम देखो चप्पल किसकी पहन के आ रही है, वही कह रही हूं। और फिर डांट मेरे पड़ेगी शाम को कि चप्पल कहाँ गई। अपनी भी जी का दोबारा चाय को क्या बोलते हैं, अल्टर कर लाए ठीक कर लाए को क्या बोलेंगे, यानी कि दोबारा थोड़ा इसमें क्या डालते हैं, अदरक डाल दिया और थोड़ा सा पानी वानी और डाल के अच्छा कर लाई, मतलब अच्छा बना लाई। और ठीक है पी के देख लेते पीने लायक चाय है अभी। नहीं बेटा पीने लायक चाय है अभी, पीने लायक है पी लेते हैं। हम सब तो बाहर बैठ के चाय पी रहे हैं यहाँ पे, और कुंजिका के लिए अंदर बैठ के चाय पी रही है। ये देखो ये अकेले बैठ के पी रही है और इसने टीवी बंद कर दिया देखते ही। क्यों क्या हुआ? देख ले टीवी, हमको मना। टैब देख रही थी क्या? मेरे को आवाज इतनी तेज टीवी जितनी आ रही थी, टैब इतनी तेज चला के। ओहो मैं सोच रही हूँ टीवी देखते देखते चाय पी रही है और ये टैब देख रही थी। हमारे साथ पी लिया, आजा बेटा आइए, बेटा आइए आजा हमारे साथ बैठ पी लिया। हमारा मन नहीं लगता तेरे बिना है ना बेबी, क्योंकि दीदी आ जाओ हमारा मन नहीं लगता। नहीं बुलाएगा इसको? बुला ले यार। तो हम आज का व्लॉग तो यहीं खत्म करते हैं, कल मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक टाटा बाय बाय टेक केयर।